मैंडलो एवरी वन देखिए मैं आज बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यू uh, नो you know, ये सब ये चीज़ मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए एंड दैट इज़ कि देखिए जो मार्केटिंग होती है ना और जो चीज़ें बेचने का जो आर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक सदियों से चला आ रहा है आजकल हम लोग हमारे पास इंस्टाग्राम है फेसबुक है यूट्यूब है जिसके द्वारा हम लोग दिखाते हैं अपनी एडवर्टिजमेंट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं चाहे वो चीज़ें कितनी घटिया से घटिया क्यों नहीं हो हमें वी डोंट इवन नीड दो आइटम्स या फिर जो भी चीज़ें हैं हमें ज़रूरत भी नहीं बट स्टिल हम उन चीज़ों को खरीदते हैं जिस बिकॉज ऑफ़ दैट एड और जस्ट बिकॉज ऑफ़ दैट यू नो एडवर्टिज़मेंट कह लीजिए या फिर पब्लिसिटी जो हम करते हैं चीज़ों की सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा यू you नो know, हम uh, हम सतर्क रहे इसी तरीके से जैसे मैंने आज चाट खाई थी यार बिल्कुल भी बेसिक चाट थी कुछ खास नहीं था उसमें इट इट कॉस्ट मी अराउंड वन फिफ्टी और समथिंग लाइक दैट बट उसमें बिल्कुल भी कुछ मुझे ही लगा वैसे मैंने मैंने दस चाट वैसी खाई होगी स्टार्ट मुझे पसंद है मैंने मुझे लगता है दस बारह बार मैंने कि मैं खा चुकी हूँ तो उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मार्केटिंग थिंग इसी तरीके से यार कपड़ों का भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है या फिर होटल्स का किया जाता है या फिर जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो जाते हैं मोरिशस जाते हैं मालदीव वो वहाँ पे जाते नहीं है दे देजिस उनको वहाँ पे बुकिंग्स होती है वो दिखाना होता है जस बिकॉज हम जैसे लोग कॉमन पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू की हाँ यार मुझको भी जाना है मुझे भी करना है वो फोटो खिंचवाते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मार्केटिंग ठीक है ना चाहे चीज कितनी घटिया से घटिया क्यों नहीं हो जितनी हमें जरूरत भी नहीं होती है वी यू नो वी कंपेल अवर सेल्स की अच्छा वी हैव टू बाइट वी हैव टू बाई इट बट एट द एंड ऑफ द डे इज नाथिंग इट जस्ट सिम्पल बेसिंग थिंक और इट समथिंग दट्स वेरी अनहेल्दी ओके इस पर मैंने थोड़ी बहुत चाट खाई फिर मैंने पैक करवाई मैंने वो पूरी फेंक दी बट जस्ट बिकॉज मुझे वो चुल मची थी कि यार मैं भी तो देखू क्या है क्या है सो so, uh, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आप इन सब जहाँसू में ना फंसो ओके मार्केटिंग में खास कर कि जो लोग दिखाते हैं कि यार यहाँ पे ये है यहाँ पे वो है कुछ नहीं होता है वहां पे उनको बस पैसे हड़पने होते हैं और हम लोगों को पागल बनाना होता है और कुछ नहीं होता है वहाँ पर ओके सो इन सब चीज़ों में मत फंसीे मैं फंस गई मैं अक्सर मैं मुझे हो जाता है फिर जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मुझे वहाँ जाना ही होता है पर मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है और Uh, I need to correct myself. I need to dig deeper in my uh, consciousness कॉन्शियसनेस कि ये बस मार्केटिंग होती है और कुछ नहीं होता है वहाँ पे बस आपको बड़ा चढ़ा करके चीजों को बताया जाता है एंड अंदर से वो पूरी खोखली होती है चीजें राइट सो yes, इस जाल में मत फंसिए चाहे कपड़ों की बात हो ब्रांडिंग हो या फिर कोई भी हाँ अगर आपको कोई जरूरी चीज है वो आप जरूर से खरीदे बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स देट आर शोन बाई दीज मार्केटिंग पीपल दे आर द थिंग्स दैट वी डोंट इवन नीड दे आर अननेसेसरी आइटम्स ओके सो बेटर इज़ टू अवॉइड देम एंड ट्रस्ट मी वो बस आपको दिखाया जाता है उसके अंदर कुछ नहीं होता है एनी वे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ और मुझे बताइए अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकूं जो कि थोड़ा आप देखिए मैं मैं, मैं चाहती हूं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं हाँ मैं आपको कभी कभी मैं कहीं जाती हूं मैं आपको अपनी लाइफ दिखाती हूं कि मैं किस तरीके से रहती हूं बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा ये रहता है कि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ जिसके थ्रू आपकी भी हेल्प हो जाए और मैं भी कुछ प्रोडक्टिव कर सकूं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता यार बस ब्लॉग बनाते रहो कुछ भी बकवास करते रहो जो कि जरूरत ही नहीं है राइट तो बट हाँ जैसे मैं आई एम अ सोलो ट्रैवलर मैं जहाँ भी जाती हूँ अकेले जाती हूँ थोड़ा थोड़ा बहुत मैं शॉर्ट्स के जरिए आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ गई हूँ वहाँ गई हूँ मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मैं अकेली नहीं हूँ आप लोग मेरे साथ हो बाकी आ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि प्रोडक्टिविटी में जो कोई प्रोडक्टिव चीज़ होगी जिससे आपकी भी हेल्प हो मेरी भी मुझे भी अच्छा लगे वो चीज़ शेयर करने में अगर कोई चीज़ आप चाहते हो मैं उस, उस पर वीडियोज़ मैं आप ज़रूर से मुझे बताइएगा योर रिकमेंडेशन योर सजेशन्स आर ऑलवेज वेलकम्ड या थैंक यू सो मच एंड अल्लाह